तो लापता होने के बाद मुंबई लौटे एनसीपी विधायक दौलत दरोड़ा ने दावा किया कि वो अजीत पवार के कहने पर दिल्ली गए थे, उन्हें स्पेशल प्लेन से दिल्ली ले जाया गया था। और इंडिया टीवी से बातचीत में दौलत दरोड़ा ने कहा कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही उनके नेता हैं। हम दिल्ली में थे, वहाँ पे बहुत पुलिस फोर्स लगा हुआ था, वहाँ दिल्ली में थे, वहाँ में बहुत पुलिस फोर्स लगा हुआ था, लेकिन हमने जब बड़े साहब को मतलब पवार साहब को कांटेक्ट किया, सुरुप्रिया ताई को कांटेक्ट किया, जोन पाटिल साहब को कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें वहाँ से निकालने के इंतजाम कर दिया, हम यहाँ पहुँच गए। कैसे पहुँच गए वहाँ पे, पहुँच कैसे गए? नहीं, वहाँ पे वहाँ के एनसीपी के कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने हमें होटल से निकाला। आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ से हम विमान से चले गए, हमारा स्पेशल विमान था, वो आदरणीय अजीत दादा पवार ने किया था, और उनके वो हमारा गट नेता, विधानमंडल का गट नेता। जब सरकार बैठ जाता है एनसीपी का और बीजेपी का सरकार बैठेगा तो हमें भी अच्छा लगा, सरकार बैठने वाला है तो हम चले गए। आपको पहले बताया था कि सरकार बैठने वाली है? बताया था। क्या बताया था उन्होंने? सरकार बैठने वाले एनसीपी और बीजेपी का सरकार बैठने वाले, हम भी खुश हो गए, चलो एक टीम आगे जाओ आगे और एक टीम पीछे जा रही है, हम चले गए। क्या ये भी बोला था कि शरद पवार जी का इसमें सहमति है, बताया था उन्होंने? बताया था। क्या बताया था उन्होंने? नहीं, उन्होंने बताया कि सब लोगों की मेरी चर्चा हो गई है, अपना सरकार बैठने वाला, हमें भी अच्छा लगा, हमें भी आनंद हो गया कि सरकार बैठने वाली है, इसलिए हम चले गए। अब किसके साथ है? अब किसके साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमें कोई बहका के गया नहीं, हम कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के ही साथ में थे, अभी भी है। तो अजीत पवार के साथ में है, शरद पवार के साथ गांव ले जा रहे हैं और हम जा रहे हैं, क्या वो हमारे नेता लोग ही लेके जा रहे, तो हम किसको बोले? कौन नेता लेके आप? हम चले गए, पीछे से भी आने वाले थे, उनको अजीत दादा और उन्होंने हमें बुलाया था और वो हमारे गट नेता है। अजीत पवार के बहकाने से आप चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, अभी अजीत पवार के साथ है, शरद पवार के साथ है, शरद पवार के साथ, अजीत पवार के साथ नहीं है, हम दोनों के साथ, वो हमें, वो दोनों हमारे नेता है, अजीत पवार को छोड़ दिया। तो आपने सुना किस तरह से बताया जा रहा था, दौलत दरोड़ा जो ये बता रहे थे कि उनको किस तरह से ले जाया गया था दिल्ली, और उन्होंने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस के बॉडी लैंग्वेज से कहा जाए तो काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन चिंता उनके लिए जरूर होगी कि फ्लोट टेस्ट जब होगा तब उन्हें साबित करना होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधानसभा परिसर की है, जहां पर वो श्रद्धांजलि दे